नमस्कार, मैं मोनू, मेरा की मम्मी बोल रही हूँ, जिसका आप पहले भी वीडियो देख के चले आ रहे हैं। मैंने इससे पहले भी आम की रेसिपी बना ली थी जो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आज फिर एक आम की रेसिपी बना रही हूँ जो खट्टी मीठी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस आम को बनाने के लिए, रेसिपी को बनाने के लिए आप कलमी आम का प्रयोग करें, देसी आम का नहीं। कलमी आम की अच्छी रहती है क्योंकि खट्टा मीठा रहता है ना, तो ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अब 5 किलो आप आम दशहरी ले आइए और पानी में डुबो दीजिए। 5 किलो में आपकी एक अचारदानी तैयार हो जाएगी। अब आम को आपने 2 घंटे भिगो लिया है तो इसको निकालिए और निकाल के लंबे लंबे छिलका समेत काटिए और गहरे बर्तन में काटिए, बड़े बर्तन में, जिसमें धूप अच्छी तरह लग सके। अब आपने आम के अंदर नमक और हींग और हल्दी, बस 3 चीज़ें मिलाई। 5 किलो में करीब आधा किलो नमक पड़ जाएगा आपका, और 1 ग्राम हींग पड़ जाएगी, और 100 ग्राम के आसपास हल्दी पड़ जाएगी। हल्दी आप इसमें कमी डालिए थोड़ी अभी, क्योंकि मसाले की दाल भी हल्दी पड़ेगी। अब आप इसको धूप में रख दीजिए 1-2 दिन, और धूप में रखने का ये पानी छोड़ देगा। तो अब आप इसके अंदर क्या करिए, आम को अलग कर दीजिए धूप निचोड़ के, और उसके पानी को अलग कर लीजिए। पानी फेंकिए नहीं, पानी इसको अलग धूप में रखिए। पानी इसी में पड़ जाता है, लेकिन बाद में पड़ता है, अच्छी तरह धूप लग जाएगी तब। अब आपने आम को उसमें निकाल लिया है धूप में से, और उसमें सारा मसाला मिलाइए। जैसे सौंफ है 250 ग्राम, मेथी है 100 ग्राम, हल्दी है 100 ग्राम, 50 ग्राम करीब ही लाल मिर्ची है, लाल मिर्ची कुटी हुई डालिए। हल्दी, मिर्चा, सौंफ, हींग, मेथी 50 ग्राम, राई 100 ग्राम, और नमक, नमक तो आपको पता ही है। ये सारा मसाला आप लीजिए, और मसाला मिलाने का जो आपने आम को काट के रखा, अलग करके रखा है, उसमें आप मिला दीजिए। इसमें हम कच्चे तेल का प्रयोग करते हैं, मसाले भी हम कच्चे मसाले जितने हैं भून के डालते हैं। जैसे सौंफ है, मेथी है, और बस सौंफ मेथी भून के डालती है, और दरोड़ के डाली थोड़ा सा, कलौंजी वगैरह, कलौंजी है, मेथी है, राई है, हींग, ये सब बिना भुनी पड़ती है, कच्ची पड़ती है। अब आपने का सारा मसाला से मिला लिया, और इसको करीब 250 ग्राम तेल डाला, और मोया लगा दीजिए, ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है, केवल मोया लगा के और कपड़े में धूप डाल के रख दीजिए। अब 2-4 दिन की धूप में अच्छी तरह लगाइए। इसके बाद इसके अंदर निकालिए, और उसका जितना आपका इसका आपने पानी निकाला था, उस पानी को उसमें डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद इसमें पड़ेगा गुड़, गुड़ पहले इसलिए डालते हैं क्योंकि ऐड जाती है, गुड़ बाद में ही पड़ता है। जब 5-6 दिन अच्छी तरह आपकी, मेरे अचार की खासियत है, इसमें अच्छी तरह धूप लगना चाहिए, अच्छी तरह ओस लगना चाहिए। अगर ओस और धूप अच्छी बराबर की लगेगी तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, किसी बात की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस इसमें 5-6 दिन जब हो गए हैं, और उसमें नमक, हींग, हल्दी अच्छी तरह मिल गया है, मसाला आपने मिला दिया है, तो आप उसमें गुड़ डालिए, 5 किलो में 1 किलो गुड़ तोड़ के डालिए, और अच्छी तरह मिलाइए, और जो अचार आपका रसा निकाला है वो भी इसमें मिला दीजिए। बस फिर आप इस अचारदानी में भर दीजिए, तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब उसका कपड़ा बांध के धूप में रखिए, 5-7 दिन और धूप लगाइए, बस आपका अचार तैयार हो गया। ये आपको अचार खाने में बहुत अच्छा लगेगा, खट्टा होता है ना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बड़ों को अच्छा लगेगा। चाहे अचार तहरी से खाएँ, चाहे खिचड़ी से खाएँ, चाहे पराठी से खाएँ, चाहे किसी भी से खाएँ, हर रूप में आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें मेरे वीडियो में कोई दिक्कत आए किसी प्रकार की भी, तो आप मुझको इसी वीडियो पर फिर से पूछ सकती हैं, मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगी।